देखो रिकॉर्डिंग तो मैं सिर्फ फिर स्क्रीन शेयर हूँ। हाँ मैम, यस मैम। तो देखो हम लोग आज मैंने सोचा था कंटिन्यूटी बोलेंगे, लेकिन ना मैंने गलती से पहले ही लिख दिया कि रेशियो होगा, तो इसलिए हम रेशियो वाला ही ले रहे। कंटिन्यूटी वाला हो जाएगा, चिंता मत करो, हम भूल गए थे इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 11 तक किए थे रेशियो वाला जो है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से जो है हम लोग को करना है। तो देखो 12th नंबर में क्या बोला है, ए इज टू बी 3:4, द वैल्यू ऑफ 2a+3b इज टू 3a+4b कितना होगा। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग को बोला है कि 3a+ कितना था, 3:4 है, ठीक है, और बोला है कि 2a+3b इस टू 3a+4b ये कितना होगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो, क्या आंसर आएगा, या तुम लोग कैलकुलेट करके बताना चाहोगे तो बता। ए को पुट करेंगे 3 और बी को 4 पुट करेंगे। गुड मॉर्निंग रोशन। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, इसका मतलब a/b 3/4, ठीक है। तो a को 3 पुट करेंगे, b को 4 पुट करेंगे, ये इससे हो जाएगा आंसर, और ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली एक चीज हम बता देते हैं, देखो एक्चुअली लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है कि a का वैल्यू 3 ही है, ठीक है, और b का वैल्यू 4 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो रेशियो है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो एक्चुअली ए का वैल्यू 3 है ये हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते। तो अगर ये हमें जो है लिख के करना होता ना, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, जैसे कि ऐसे करना पड़ता क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4a=3b, a=3b/4, या फिर b=, ऐसे करना पड़ता 4a/3, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना पड़ता। तो जो राइट मेथड वो ये वाला है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली ऐसा इसका वैल्यू नहीं मान सकते, लेकिन एमसी क्योंकि नहीं, हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्योंकि 3 और 4 लिखने से हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन वो गलत होता है कंसेप्ट वाइज, ठीक है। तो चलो अभी तो हमें एमसीक्यू करना है, तो हम लोग उसी हिसाब से कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ पर सिंपल इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी हो गया 4, फिर यहाँ पर 3 into, अच्छा मैंने ए लिख दिया पता नहीं गलती से यहाँ पर, और 3 into कितना हो जाएगा, 3 into 3 और 4 into 4, तो देखो कितना होगा। एटीन बाई कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, अगर ऐसे पुट करके तुम लोग देखोगे तो भी सेम आंसर आएगा, मतलब ए के जगह बी का वैल्यू या बी के जगह ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो भी 18/15 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर हम लोग का हो गया 18/25, यानी ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से करना है, लेकिन टेक्निकली ये राइट होता है, ये अगर इलाबोरेट वे में करते हो तो ये राइट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं है ना कि वो वैल्यू उतना ही होगा, वो तो सिंप्लीफाइड वैल्यू है इस वजह से। अच्छा, अब क्वेश्चन यस नंबर मैम। 13। हाँ देखो, बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5। 2 नंबर्स है जिसमें से 4 माइनस करने से हर एक, मतलब 4 माइनस दोनों नंबर से ही 4 माइनस अगर करेंगे तो रेशियो 3:5 हो जाएगा। नंबर क्या क्या है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, हम इतना बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग एमसीक्यू कर रहे, तो तुम लोग इसको आंसर देख के बता सकते हो, तो बोल सकते हो कौन सा होगा। देखो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना शॉर्टकट में जो क्वेश्चन हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि पैटर्न एग्जाम का तो एमसीक्यू है ना, शॉर्टकट सीखना पड़ेगा। ऑप्शन ऑप्शन बोलो कितने वाला बात है, ऑप्शन ए
ए. गुड मॉर्निंग. ऑप्शन ए होगा. अच्छा ऑप्शन ए. अच्छा तो ऑप्शन ए 16 और ये 24. अच्छा देखो सही हुआ है आंसर ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि अगर हमें दो नंबर दिया हुआ है पहले देखो ऑप्शन ए सही है कि नहीं वो चेक करते हैं. जैसे कि 16 माइनस 4 करो और 24 माइनस 4 करो कितना आएगा, 12/20. इसका रेशियो बनाओ 3:5. ठीक है, लेकिन हम लोग आंसर देख के कैसे बोल सकते, बोला कि दो नंबर का रेशियो इतना है. ठीक है, तो अगर उसमें से 4 माइनस करेंगे दोनों में से तो हमारा रेशियो ये बन जाएगा, तो नंबर क्या क्या होगा. तो इसका मतलब ये जो आंसर्स दिए हुए हैं वो किस चीज का दिया हुआ है, नंबर का जिसका रेशियो 2:3 है. तो अब चेक करो ना कौन से नंबर का रेशियो 2:3 है, 16:24 2:3 होता है या 4:6 होता है, या अब तुम लोग बोलोगे ये भी तो 2:3 होता है. ऑब्वियसली होता तो है, लेकिन क्या 2 से 4 माइनस करोगे और 3 से 4 माइनस करोगे तो क्या कभी 3:5 आएगा. ये देखो 2 से 4 माइनस करोगे तो -2, अच्छा फिर 3 से 4 माइनस करोगे तो -1, तो 2:1 आया मेरा, तो 3:5 आना चाहिए. अब ये वाले ऑप्शन में देखो 4 और 6, तो 4 से तो 4 माइनस करने से 0 ही हो जाएगा रेशियो, तो 0:something होगा, वो तो मुझे चाहिए नहीं. अब इसमें देखो 16 और 24 इसका रेशियो बनाओ, तो इसका रेशियो बनाने से 2:3 होता है. 4 से 8 से अगर कैंसिल आउट करते हैं, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है, तो 2:3 हो जाएगा. अब इस ऐसे क्वेश्चन को एक्स मान के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्स मान के कब करेंगे जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले. तो हमें शॉर्टकट यूज करना है ताकि टाइम बचे. देखो कुछ चैप्टर ऐसा होगा जिसमें हमें सॉल्व करना पड़ सकता है, टाइम टेकिंग होता है, सोचना ज्यादा पड़ता है, ज्यादा सॉल्व अगर नहीं भी करना हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम लोग आंसर के साथ आराम से कर सकते. तो 13 का आंसर ए हो गया, 16 और 24 वो नंबर है. क्यों? क्योंकि 16 और 24 से अगर माइनस करके देखोगे तो तुम लोग का वही रेशियो आ जाएगा जो पूछा जा रहा है. ठीक है, तो ये देखो 12:20 मतलब 3:5. ठीक है, इस तरीके से करना है. तो इसके बाद ना लगातार कुछ क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जिसको तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से बता सकते हो, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इसके बाद वाला भी वैसा ही क्वेश्चन होगा. बताओ 14th नंबर बोला है कि एंगल ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, बोल रहा है कि एक ट्राइंगल का एंगल का रेशियो 2:7:11 है. एंगल्स क्या क्या होगा बताओ, ऑप्शन देख के बता सकते हैं. सी सी. सी अच्छा सी, चलो देखते हैं सी होता है कि नहीं. गुड मॉर्निंग अपनी. मॉर्निंग. अच्छा देखते हैं सी है कि नहीं ऑप्शन. रुको एक सेकंड, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा. हाँ तो ये ऑप्शन सी. ठीक है चलो ऑप्शन सी सही है कि नहीं कैसे पता करेंगे, अगर एंगल का रेशियो 2:7:11 हो रहा है तो कौन से रेशियो से होगा. देखो ये अगर एंगल होता है तो ये तो 2:7:11 रेशियो नहीं बन रहा है. ये एंगल के केस में भी देखो 3:7:8 ये नहीं हो रहा है. तो 18:63 और 99 का अगर हम लोग रेशियो करते हैं, अगर ये आ जाता है तो फिर हम लोग का यही वाला आंसर होगा. तो हम 9 से डिवाइड कर ले, 9 2 18 और ये कितना हो जाएगा, 9 7 63, 9 11 सा हो गया हम लोग का 99. ठीक है, तो फिर 2:7:11 कैलकुलेट करके देखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके देखने का जरूरत नहीं है. तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन हम लोग का 18:63 और 99 डिग्री. ये कैसे हम लोगों ने पता किया, क्योंकि 18:63 और 99 का अगर रेशियो बना लोगे तो ये हो जाएगा जो गिवन रेशियो है वो वाला हो जाएगा. बाकी कोई सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व तो करना नहीं है, देखो सॉल्व करोगे टाइम जाएगा, नहीं तो ऐसे कर सकते थे हम अगर हमें सॉल्व करने देता 2x डिग्री, 7x डिग्री, 11x डिग्री. ठीक है, तीनों एंगल का वैल्यू इतना हो जाएगा, क्योंकि 2 इंडिविजुअली रेशियो है वो कोई वैल्यू नहीं है. तो सभी में x मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये सब होता है
180 डिग्री, ये सब का टोटल करोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे, फिर उस एक्स को ये सब में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। बेसिकली एक्स का आंसर 9 आएगा। देख लो, एक 7 + 2 9, 9 + 11 ये हो गया 20x डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो फिर एक्स यानी हो जाएगा हम लोग का 9। अब 9 × 2 9 18, 9 × 7 63, 9 × 11 99। लेकिन हम लोग इतना मेहनत क्यों करें जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। अच्छा, फिर 15th नंबर वाला देखो, बोल रहा है कि डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन एक्स एंड वाई इज इन द रेशियो 11:7। अगर हम लोग 324 रुपीज को एक्स वाई में डिवाइड कर देंगे तो 11:7 हो जाएगा, तो एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा, ऑप्शन देख के बता सकते हो ये वाला भी। तो ये सब आंसर किस चीज का दिया हुआ है, एक्स और वाई को जो मिलेगा उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसका रेशियो तो क्वेश्चन हमें बता ही रहा है कि जो उनको मिलने वाला है उसका अगर हम लोग रेशियो बनाते वो 11:7 हो। हिंट्स को दे दिया मैंने, अब तुम लोग बोलो कितना होगा। None of this. अच्छा, डी देखते हैं डी है कि नहीं आंसर हम लोग का। हाँ, डी नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। देखो अब इसमें ये देखो, इसका मतलब ये 204:120 करने से मेरा 11:7 आना चाहिए, लेकिन इसमें 11:7 आएगा बोल के मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 120 किसी भी तरीके से ऐसे डेटा से डिविजिबल नहीं हो सकता है जिसमें 7 आ जाए। देखो ये थोड़ा थोड़ा हमें जो पहले वाला x के लिए 198 आ रहा है, तो 198 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए हाँ ऑप्शन डी ही होगा, सही है। गुड आफ्टरनून अश्मिता। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ ये देखो, और एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये जितने भी डेटा है एक का भी रेशियो 11:7 नहीं हो सकता है। अब ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, देखो उसके लिए थोड़ा डिविजिबल वाला कंसेप्ट हमारा बचपन वाला क्लियर होना चाहिए। देखो अगर 11 है, मुझे एक चीज बोलो, ऐसा कोई भी डेटा है जिसको डिवाइड करेंगे और वो 11 जो है 200 को डिवाइड कर देगा या 180 को डिवाइड कर देगा या 204 को? नहीं कर सकता है ना। तो 7 जो है इससे हम लोग ये सब किसी भी डेटा को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के अलावा कुछ आएगा, तो पता ही चल रहा है कि डी होगा। और अगर ऐसे किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कि भाई मेरा डिवीजन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम लोग ऐसे करके कर लो ना, अगर डिवीजन अच्छा नहीं है तो 324 को डिवाइड कर दो, 324 × 11 बाई कितना हो जाएगा, नॉर्मली जैसे रेशियो का डिवीजन कर दो 18, और यहाँ पर 324 × कितना होगा 7/18, तो कितना आ जाएगा देखिए, 198 और 126 इतना आ जा रहा है। अब इसको डायरेक्टली अपने आंसर में देखो कहीं पर भी नहीं है, यानी ऑप्शन हम लोग का डी, ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 में क्या बोला है, आनंद अर्न 80 रुपीज इन 7 आवर्स, 80 रुपीज इन 7 आवर्स एंड प्रमोद 90 in 12 hours, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। बोलो उनके अर्निंग का रेशियो निकालना है, एक जन का अर्निंग है 80 रुपीज इन 7 आवर्स, दूसरे का है 90 रुपीज इन 12 आवर्स, रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। इसको थोड़ा तो सॉल्व करना पड़ेगा, हम कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले क्या? हाँ, क्योंकि रेशियो हम लोग कभी 7 घंटे के अर्निंग को, देखो हम लोग को क्या करना है, 7 आवर्स का अर्निंग है 12 आवर्स का, ये तो कंपेरेबल नहीं है ना, हमें सेम जो है बेस में लाना है। तो एक 7 घंटे का अर्निंग है, एक 12 घंटे का अर्निंग है, हमें दोनों अर्निंग को या तो 7 घंटे का या तो 12 घंटे का या तो 1 घंटे का कर सकते हैं ना, दोनों का अर्निंग, अगर दोनों का अर्निंग 1-1 घंटे का कर लोगे तो फिर रेशियो निकलेगा, क्योंकि 7 घंटे के अर्निंग के साथ 12 घंटे का अर्निंग तो कंपेरेबल नहीं है, रेशियो कंपेरिजन होता है। तो निकाल के बताओ क्या होगा,
नहीं आया अभी तक आंसर। कोई तो बताओ, मतलब 32:21 ए। हाँ ए। आंसर तो ए ही दिया। देखो हम लोग 7 आवर्स और नाइन 12 आवर्स, नाइन नहीं 12 आवर्स के अर्निंग को कंपेयर नहीं कर सकते। या तो हमें दोनों 7 आवर्स करना है, दोनों 12 आवर्स करना है, या दोनों 1 आवर करना है। तो बेस्ट है कि हम लोग 1 आवर का निकालते हैं। तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर आनंद का 7 आवर्स का अर्निंग 80 रुपीज है, तो 1 आवर्स का कितना होगा? बोलो, बचपन में सीखे थे। आनंद अर्निंग पर आवर, बोलो कैसे निकालेंगे? 80/7। हाँ 80/7, ठीक है। तो इसके बाद वाला पर्सन का नाम है प्रमोद। प्रमोद का अर्निंग कितना हो जाएगा पर आवर? 90/12। ठीक है। अब ये कंपेयर करने के लिए केपेबल है, क्योंकि दोनों का जो है पर आवर कर लिया हम लोगों ने। तो हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा 80/7:90/12। और लास्ट दिन ही हम लोगों ने सीखा था कि अगर हम लोग का बेस अलग अलग है, तो दो चीज कर सकते हो। या तो तुम लोग 12 और 7 का एलसीएम कर लो, या फिर ऐसे डेटा से मल्टीप्लाई करो कि दोनों का बेस बराबर हो जाए। तो जैसा तुम लोग कर सकते हो करो, ठीक है। अगर तुम लोग एलसीएम करते हो, तो 7 और 12 का एलसीएम वैसे हो जाएगा हम लोगों का 84, ठीक है। तो यहाँ पर 84:90/12:80 ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7:12:12:80 960। और ये हो जाएगा 6:30। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 0 0 हट जाएगा, 96:63। यानी कितने से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड करें। 3 से हो जाएगा 32:21, मतलब ऑप्शन ए। तो वही बेस यहाँ पर काम आया। देखो रेशियो का जो मेन बेस है कि कभी भी अर्निंग जो है वो हम लोग कंपेयर डायरेक्टली उतना उतना रुपीज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो 12 घंटे के ऊपर बेस्ड है, और दूसरा जो है 7 घंटे के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो 7 और 12 आवर्स का अर्निंग कंपेरेबल नहीं है। तो या तो दोनों को 7:12 करो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। इसको :12 करोगे, या फिर इसको ये 12 ही रह जाएगा, फिर 90 90 रुपीज ही रह जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, या फिर इसको 7 करना पड़ेगा। तो बेस्ट यही वाला है। अच्छा अब हम लोग 17 वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। दो नंबर का रेशियो निकाला गया है, वो 7:10 है, उसका डिफरेंस 105 है दोनों नंबर का। नंबर क्या क्या है ये भी ऑप्शन देख के बता सकते हो। बोलो कौन सा आंसर? ये सब आंसर किस चीज का दिया हुआ है? दोनों नंबर का, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सही बात है, ऑप्शन सी। देखो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, दो तीन तरीका है चेक करने का। पहले तो देखो इसमें हम लोग पहला ये लगाएंगे कि 200:305 करने से 7:10 आता है कि नहीं। देखो 10 आने से रहा, पीछे 5 है, कैसे 10 आएगा? देखो अगर 5 से कर भी लेते हो, ये देखो 5 2 20 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके आगे अब होगा नहीं, तब इसको देख के क्या फायदा, ठीक है। ये नंबर का रेशियो मेरा तो 7:10 होना चाहिए ना। 185 और 290 का रेशियो, क्या 7:10 आएगा? चेक करके देखो, ये 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि पीछे 5 है और 0 है, तो 5 से डिविजिबल होता है। तो ये हो गया 37 8 58, और ये आगे मुझे नहीं लगता है डिवाइड होने वाला है, ठीक है। और 245 और 350 का देख लो, 5 से करो, यहाँ पर हो गया 70 49। 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 49 17, ये हो गया। और दूसरा कंडीशन भी देख लो कि माइनस करने से 3 150 5, 350-245। हाँ 350 - 245, तो इसका आंसर हो जाएगा 105। तो ऐसे करके हमें ऑप्शन देख के आंसर बताना है, ठीक है। तो 7:10
रेशियो है, तो कौन से डेटा का रेशियो 7:10 आ रहा है वो देखना है। अब ऐसा भी हो सकता है, मान लो मोर देन वन आंसर का रेशियो 7:10 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही आंसर होगा, हमें दूसरा कंडीशन भी चेक करना है कि और उसका डिफरेंसेस दोनों नंबर का 105 है कि नहीं, जिसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होगा वही हम लोग का आंसर होगा। जैसे अगर तुम लोग देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस भी ना 105 है मुझे लग रहा है, ये देखो तो क्या ये आंसर हो जाएगा? नहीं, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना, सिर्फ डिफरेंसेस 105 होने से नहीं होगा, डिफरेंस भी 105 होगा और रेशियो भी 7:10 होगा, तब जाके आंसर होगा। ठीक है, तो 17 का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 245,350। ठीक है, क्योंकि इसका रेशियो भी हम लोग का बनता है 7:10। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, ये दोनों कंडीशन हमें चेक करना है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन चेक करने से पता चल जाएगा और ऑप्शन हम लोग का सी हो गया। अच्छा, अब 18th नंबर वाला देखते हैं। देखो 18th नंबर में बताया है पी क्यू एंड आर आर थ्री सिटीज। ठीक है, तीन सिटी है, द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू 11:12 एंड बिटवीन पी एंड आर 9:8, द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर। तो हमें तीन सिटी का रेशियो बताया है, पहले दो का कंपैरिजन, फिर दूसरे दो का कम, मतलब पी क्यू का फिर क्यू आर का कंपैरिजन करके इन्होंने रेशियो बता दिया है, नहीं पी क्यू और पी आर का, और हम लोग को कंपैरिजन पूछा है बिटवीन क्यू एंड आर, रेशियो पूछने का मतलब ही तो कंपैरिजन है ना। तो दो सिटी का देखो बताया है पी और क्यू का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में गिवन है 11:12। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट बोला है कि पी और आर के बीच का रेशियो भी हमें दिया, मतलब इनके टेम्परेचर का कंपैरिजन भी करके दे दिया है 9:8, रेशियो पूछा है बिटवीन द टेम्परेचर क्यू एंड आर, क्यू और आर का कितना होगा ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो तुम लोग बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली ऑप्शन देख के नहीं बता सकते, इसलिए हम ऑप्शन अभी नहीं शो कर रहे, तुम लोग बताओ, बताने के बाद हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। हम इतना हिंट्स दे सकते हैं कि हमें किसी भी तरीके से ये सारे डेटा को यूज करके क्यू बाई आर करना है, एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम लोग क्यू बाई आर निकाल सकते हैं, जैसे जरूरत पे हम लोग एड लेस करते हैं ना, यहाँ कुछ मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने से हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, इसी में कुछ चेंजेस करना है। सोचो, मैंने काफी सारा हिंट्स तो दिया, देखते हैं। ऐसा क्या लिखे कि क्यू बाई आर मिल जाए मुझे ये दोनों डेटा से, हम इतना बोल सकते हैं फिर से, ये दोनों डेटा को ऐसा कैसे लिखे कि मुझे क्यू बाई आर मिल जाए, मतलब मुझे पी नहीं चाहिए, पी को मुझे हटा देना है, तो हम इतना बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन करने से हट जाएगा, लेकिन कैसे क्या लिखें बोलो? क्यू बाई पी इंटू पी बाई आर, क्यू बाई पी इंटू पी बाई आर, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग क्यू बाई पी लिखेंगे तो हम लोग रेशियो को फिर कैसे लिखेंगे बोलो? 11:12 है पी बाई क्यू, तो क्यू बाई पी अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? उल्टा 12:11, P by R तो अपना जैसा है वैसा रखेंगे, हो गया। अब देखो इस ये कैंसिल आउट कर देते हैं तो Q by R ही आता है ना, तो हम लोग को तो Q by R ही चाहिए था। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ पर 4:28 और 4:312, तो 27/22। ठीक है, चेक करते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जाता है, 27 और 22 मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो 18 का आंसर ऑप्शन बी हो गया। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये तुम लोग कर सकते हो। आज स्टार्टिंग का जो 12th नंबर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, देखो सेम वैसा ही है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो 12th नंबर वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, x is to y दे दिया है 3:4 जो शॉर्टकट हम लोग को यूज करना है, और हम लोग को कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ है उसको फाइंड आउट करके देना है, वैल्यू निकालना है x का स्क्वेयर y
प्लस उसके बाद एक्स वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो जैसे 12 वाला की हो वैसा ही करना है, मतलब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना है, जो कि एमसीक्यू के लिए प्रॉपर है, कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है. तो वैल्यू पुट करके मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा, फिर हम ऑप्शन देखें, क्योंकि ये कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ये ऑप्शन देख के नहीं बता सकते. जो ऑप्शन देख के बता सकते हो वो हम बोल रहे हैं, तुम लोग को भी कोशिश करना है कि ऑप्शन देख के जितना हो सके. बोलो कितना आएगा. ट्वेल्व इज टू 13. 12:13. चलो ऑप्शन देखते हैं. बी. सही है, आंसर तो बी है, 12:13. ठीक है, तो ये देखो, 3 का स्क्वेयर इंटू वाई मतलब 4 प्लस एक्स मतलब 3 इंटू वाई मतलब 4 का स्क्वेयर. ठीक है, सिंपल तो वैल्यू पुट करना है, और क्या है इसमें, 3 क्यूब और 4 क्यूब. अब कैलकुलेट करना, 3 3 9, 9 into 4. कैलकुलेटर भी है तुम लोग के पास, ओरली नहीं करना चाहते तो कैलकुलेटर करो. ये हो जाएगा 16 into 3 48. ठीक है, 3 का क्यूब मतलब 27, 4 का क्यूब मतलब 64. तो 36 plus 48 81. तो यहाँ पर हो जाएगा, कितने से डिवाइड जाएगा, 7 से. हाँ 7 से जाएगा, 7 12 7. हाँ 7 से जाना चाहिए, 12 7 84. हाँ 12, और यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 13. ठीक है, 12:13, यानी ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा. ये तो देखो, हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में ही ऐसा सेम क्वेश्चन किया था, बस इसका ये कैलकुलेशन अलग था. यहाँ पर भी हम लोग को वही x3 और y4 मान के करना है. अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसके बाद वाला जितना भी है बिना कैलकुलेशन के हम लोग नहीं निकाल सकते. अच्छा अब देखो इसमें क्या बोला है, इफ पी इज टू क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वेयर इज टू क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर, देन एक्स स्क्वेयर इज. ठीक है, एक्स स्क्वेयर का वैल्यू क्या होगा. तो पी इज टू क्यू जो है वो सब डुप्लीकेट रेशियो है इसका. तो मुझे बोलो ओरिजिनल रेशियो कौन सा है और सब डुप्लीकेट कौन सा है. मतलब ये लैंग्वेज पढ़ के मुझे एक चीज बोलो, ओरिजिनल वाला कौन सा है, सब डुप्लीकेट वाला कौन सा है. p माइनस एच स्क्वायर वो वाला ओरिजिनल है और p इज टू q सब डुप्लीकेट है. ये ओरिजिनल है और ये मेरा सब डुप्लीकेट है. ठीक है, अच्छा अब ओरिजिनल और सब डुप्लीकेट में जो है, मतलब क्या बोले उसे, जो रिलेशन है वो कैसा होता है, वो इस तरीके से होगा. तो ये देखो, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मेरा ओरिजिनल रेशियो क्या है, p माइनस एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय q माइनस एक्स का स्क्वेयर. तो अगर मुझे इसका सब डुप्लीकेट निकालना है, अगर मुझे कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका सब डुप्लीकेट स्क्वायर कैसे रूट करना है दोनों को. हाँ दोनों का स्क्वेयर रूट करना. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट दिन ही पढ़ा था कि अगर a इज टू b हम लोग का ओरिजिनल रेशियो है तो उसका सब डुप्लीकेट स्क्वेयर रूट होता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अच्छा अब हम लोग को ये वाला वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, बोलो तो ये वाला वैल्यू हम लोग का क्या है, ये जो रेशियो निकलेगा, ये तो हम लोग स्प्लिट भी तो कर सकते हैं ना इसे. पी बाय क्यू आएगा. हाँ ये देखा, पी बाय क्यू ये हम लोग को गिवन है. इसका जो वैल्यू है हम लोगों ने अपने हिसाब से निकाला, जो हम लोगों ने सीखा था, लेकिन इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है कि ये पी इज टू क्यू है. मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पी माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू पी बाई क्यू है. सॉरी ये वाला रूट, रूट का वैल्यू पी बाई क्यू है, क्योंकि सब डुप्लीकेट का वैल्यू इतना है. तो इन दोनों में ये सब डुप्लीकेट है,
ठीक है, और ये ओरिजिनल है, और सब डुप्लीकेट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वाला। अब इससे हम लोग को एक्स का स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो क्या करना है, सिंपल, तुम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तब ये रूट हट जाता है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर लो। अच्छा कितना आएगा, टी मैम सेकेंड माइनस लाइन है ऑटो स्क्वायर ना आर सभी स्क्वेयर, मैम। आर अच्छा आर तो कुछ स्क्वायर, नहीं अच्छा क्वेश्चन है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पी क्यू स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, ठीक है, फिर पी स्क्वेयर क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर, ठीक है। अब एक्स जो है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो एक्स का स्क्वेयर पी का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर क्यू का स्क्वेयर, अब ये हो गया पी स्क्वेयर क्यू, और ये इधर आ गया पी क्यू स्क्वेयर। अच्छा अब इसके बाद यहाँ से एक्स का स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचा, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, और इधर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, पी क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो P माइनस क्यू इतना, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x का स्क्वायर है यहाँ भी x का स्क्वायर है, तो वो कॉमन ले लिया। एक्चुअली कॉमन लेने का मतलब होता है उसी डेटा से डिवाइड करना, तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और कॉमन डेटा बाहर दिखेगा। तो वैसे यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू पी क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों जगह पे पी क्यू है, तो पी क्यू कॉमन ले लिया। अब एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और ये जो है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला बोलो, बचपन में सीखे थे हम लोग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला, देखो अब ये थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला जो बचपन में सीखे हो वो याद रखना पड़ेगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जिसमें हम ऑप्शन देख के बोल सकते हो हम बता रहे हैं। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर जिसका आंसर निकालने के लिए बोला है वो हम लोग निकाल रहे हैं पी प्लस क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर हो गया ये वाला सी, ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन देखो बिना सॉल्व किए नहीं हो सकता है, ठीक है, थोड़ा तो सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए ये फॉर्मूला, अभी आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे ना इसके साथ साथ हम लोग जैसे प्रोपोर्शन करते हैं, इंडिसेस करते हैं, लॉगरिदम करते हैं, इक्वेशन करते हैं, तो सभी थोड़ा जो फॉर्मूला एलजेब्रा का बेसिक बेसिक जो तुम लोग सीखते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब, इस तरीके का चीज जो है याद रखना पड़ेगा, तब हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा तुम देखो मतलब कोशिश करना पड़ेगा याद रखने का, तभी सारा क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो फिर ये सब इस तरीके का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, बिना फॉर्मूले के ये नहीं। अच्छा अब 21 वाला देखो, बोला है कि 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। अब देन ये ऐसा कुछ रिलेशन निकल के अगर आता है तो जो रिलेशन निकल के आएगा उस पे हमें टिक करना है, नहीं आता है तो नन ऑफ दिस करना है, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कि ये डुप्लीकेट रेशियो है इसका, तो ओरिजिनल कौन हो गया, इन दोनों में ओरिजिनल कौन है डुप्लीकेट कौन है, वो तो लैंग्वेज पढ़ के ही क्वेश्चन का समझ में आ रहा है, ये कौन सा रेशियो है ओरिजिनल ओरिजिनल और ये डुप्लीकेट वाला है। अच्छा अब डुप्लीकेट होने से हम लोग क्या करते हैं बोलो, डुप्लीकेट रेशियो का हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर ए इज टू बी मैम दो स्क्वायर और कर देते हैं। स्क्वेयर कर देते हैं, तो फिर इसमें भी हमें स्क्वेयर करना चाहिए, तो हम लोग का ओरिजिनल कौन सा है, टू एस माइनस पी और 3t माइनस पी, ठीक है, ये अगर मेरा ओरिजिनल है, ये अगर मेरा ओरिजिनल है तो इसका डुप्लीकेट क्या होना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट का मतलब होता है कि स्क्वेयर कर दो, हम लोगों ने लास्ट दिन सारे प्रॉपर्टी कवर किए थे, तो स्क्वेयर कर देना, ठीक है। अब इसका वैल्यू, ये जो स्क्वेयर करने से जो डुप्लीकेट रेशियो बनता है उसका वैल्यू हमें क्वेश्चन दे रखा है 2s is to 3t, मतलब 2s by 3t इसका वैल्यू है, ठीक है, तो हम लोग अब इक्वेशन बना सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2s minus p का होल स्क्वेयर और 3t minus p का होल स्क्वेयर करते हैं
तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि 2s बाई 3t होता है, ये क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि देखो कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो जैसे याद रख सकता है। मेरा ये हैबिट है तो मैंने ये वाला बता दिया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखो, एक ही बात है, प्लस माइनस से थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। अगर कोई ऐसे ही याद रखते हो तो वही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो हम लोग को लिखना है ए स्क्वायर, हम दिखा देते हैं यहाँ पर ए कितना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, ए मतलब 2s इंटू बी मतलब पी, प्लस बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर पी का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम तरीके से इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो। ठीक है, तो ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2s डिवाइडेड बाय 3t। अब इसको सॉल्व करते जाना, सिंपल जैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर ये देखो, इसका होल स्क्वायर मतलब 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर। ठीक है, 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर, 2s डिवाइडेड बाय 3t। तो ये तो मैंने जस्ट ये मल्टीप्लाई किया, ये भी मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर था होल स्क्वायर, तो उसका आंसर लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3t इंटू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब क्या हो गया कि 3t पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ 2s मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3t चलो हम एक बार लिख ही देते हैं, जिनको थोड़ा मतलब डायरेक्टली करने में इश्यूज होता है हम उनके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, जो स्टेप जंप कर सकते हो कर दो, क्योंकि एमसीक्यू में इतना लिखने से तो वैसे भी टाइम ज्यादा जाएगा। जैसे देखो, अगर तुम लोगों को हैबिट हो जाता है तो ये करना नेसेसरी नहीं है, डायरेक्ट इतना में आ सकते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट इतना कर सकते हैं, पूरा ये लिख के करना जरूरी नहीं। हम उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जिनको याद रखने में प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो ये ऐसे लिखने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड तो कुछ हो नहीं सकता है। 4 इंटू 3 12 टी एस स्क्वेयर माइनस 12 एस पी टी मल्टीप्लाई कर रहे, 3 प्लस है 3 टी पी स्क्वेयर। अच्छा, ये इंटू अगर किसी को नहीं पता है या नहीं याद है, ठीक है, तो उनके लिए देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, मतलब ये पूरे डेटा के साथ ये पूरे डेटा को, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, टी इंटू एस का स्क्वेयर टी एस स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मल्टीप्लीकेशन का रूल्स होता है कि प्लस प्लस में प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस में माइनस होता है, और माइनस प्लस में माइनस होता है, ये माइनस है। ठीक है, माइनस होता है, माइनस माइनस में प्लस होता है। ठीक है, वो रूल्स फॉलो करना है। अब सेम तरीके से हम एक साइड वाला बता देते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 3 12 एस पी टी। अब साइन कौन सा लगा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस में माइनस होता है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस में प्लस होता है, 3 यहाँ 1 है, 3 इंटू 1 3 टी पी स्क्वेयर। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन रूल्स फॉलो होता है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे 9 इंटू 2 18 एस टी स्क्वेयर, प्लस माइनस में माइनस, देखो यहाँ प्लस प्लस में प्लस था, प्लस माइनस में माइनस हो गया 12 एस पी टी, फिर प्लस प्लस में प्लस हो गया 2 एस पी स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ से 12 ऐसे लिख रहे हैं, ये और ये ना कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो इधर हम लिख रहे हैं 12 टी एस स्क्वेयर माइनस 12 एस पी टी प्लस 3 टी पी स्क्वेयर माइनस 18। अच्छा ये इधर ही रहने देते, इसको इधर लेके आते हैं, प्लस 12 एस पी टी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर लिख दिया मैंने 12 एस टी स्क्वेयर प्लस 2 एस पी स्क्वेयर, जैसा रखना चाहो रख सकते हो। देखो ये दोनों साइड कैंसिल हो रहे हैं, हम चाहे तो ऐसे भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ना समझ में आए तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब हम लोग को देखना है कि क्या कोई भी डेटा किसी से माइनस वगैरह हो सकता है, तो यहाँ है टी एस स्क्वेयर, यहाँ टी पी स्क्वेयर, एस टी स्क्वेयर, एस पी स्क्वेयर, नहीं कुछ भी प्लस माइनस तो नहीं हो सकता है, लेकिन सिमिलर डेटा को
हम लोग एक साइड में रख सकते हैं, जैसे कि 3p² t और 2ac² देखो, क्योंकि हमारे पास ना ऑप्शन कैसा कैसा है, देखो पी स्क्वेयर इक्वल टू पी इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ना पी रखा है, अगर ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन होता है तो, अदरवाइज तो नन ऑफ दिस होगा। तो पहले हम लोग ऑप्शन के साथ चलते हैं कि हम लोग पी को लेफ्ट हैंड साइड में रख के सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिखाते हैं, देखो पी को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, मतलब 3t p² माइनस 2ac² ये रख दिया मैंने, इधर हो गया 18s t² और ये इधर आ जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस 12ts². अच्छा, अब यहां से मैंने पी स्क्वेयर कॉमन ले लिया, 3t माइनस 2s। अच्छा, यहां से ts और कितना कॉमन जाएगा, यहां से कॉमन चला जाएगा आई थिंक 6, ठीक है, तो 6st, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3t माइनस 2s, ठीक है। अब देखो पी स्क्वेयर हो गया 6st, 3t माइनस 2s डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, 6st, पी स्क्वेयर इक्वल टू 6st, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे कि मुझे कैसे पता चला ये इधर लाना है वो उधर लाना है, तो देखो मैंने ऑलरेडी बताया क्या करना है, तुम लोग को देख लेना है कि ऑप्शन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में पी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पी को रखेंगे, पी वाला डेटा, बाकी सारे डेटा को राइट हैंड साइड में सेंड कर देंगे। अब उससे हमें जो भी निकल रहा है वो चेक करेंगे, अब जिस भी ऑप्शन के साथ मैच होगा उस पर टिक करेंगे, नहीं होगा नन ऑफ दिस लिखेंगे, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन तो रहेगा ही ना कि कौन सा टिक करना है, ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये लाइन अगर बोलो तो रेलिवेंट नहीं है इस लेवल पे, फिर भी क्योंकि मैथ्स सबका नहीं होता है, मैथ्स लोग भूल जाते हैं 9-10 के बाद, तो इसीलिए मैंने करवा दिया, देखो ये लाइन नेसेसरी नहीं है। उसके बाद जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये भी लिखना नेसेसरी नहीं होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो स्टेप जम्प करके करोगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन स्टेप जम्प करने के लिए जो है सही आंसर आए उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा कैलकुलेशन ठीक है, वो देखो प्रैक्टिस से बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 21 का ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो 22, p:q दिया है, 2:3, x:y दिया है, 4:5, हम लोग को इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, आसान है, जो 12 वाला क्वेश्चन के अभी थोड़ी देर पहले कितना नंबर एक क्वेश्चन था वो किया, उसके जैसा ही है ये वाले क्वेश्चन की तरह, ये देखो 12 वाला और अभी थोड़ी देर पहले किया 19 वाला और अभी जो करेंगे वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं 22 वाला क्वेश्चन, इसमें देखो बोला है p/q 2:3। अच्छा, इसके बाद बोला है x:y 4:5, x/y ऐसे लिख लेते हैं 4/5, और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है 2px + 3qy। ये फाइंड आउट करने बोला है, बोलो कितना आंसर होगा। वैल्यू तो पुट करना है, इससे आसान क्या हो सकता है। वैल्यू पुट करने से 2 2 4 4 16 45 80 60 61 और ये हो जाएगा 140। देखते हैं क्या ऑप्शन है, 21 अच्छा, इसको डिवाइड शायद कर सकते हैं।
कितने से डिवाइड होगा ये 20, ये 9, 7, 7 से होगा, 7 9 से ना, 7 से कैसे होगा, कितने से होगा, मैम ওটা 5px का जो ওটা 2px লিখে চায় আর কি ওর জন্য। ও আচ্ছা 5px ছিল লিখে দিয়েছি। আচ্ছা 5px 3qy ये गलत है। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। सेवेंटीन इज टू 28 हो रहा है, मतलब ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी। ठीक है 22 का आंसर सी हो जाएगा, ये ठीक कर लो। ठीक है वो 5px है, वो मैंने गलत लिखा है इस वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा था। ठीक है तो ये हो गया हम लोग का 22 का सी। अब 23 देखते हैं इसमें क्या बोला है। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4, बोल रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो, मतलब रेशियोज का जो टर्म है उससे अगर हम लोग उस नंबर को माइनस कर देते हैं दोनों टर्म से, तो फिर जो नंबर जो टर्म्स बच रहा है उसका रेशियो 1:4 होगा, तो नंबर कौन सा है बोलो। ये ऑप्शन देख के होगा, इन दोनों टर्म से कौन सा नंबर माइनस करने से हम लोग का 1:4 आ जाएगा, तो ये नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पे चेक कर करके देखना होता है, और क्या चेक कर करके देखो। 15 15, लेकिन 19 - 15 करेंगे ये हो जाता है 4, 31 - 15 करेंगे ये कितना होगा 16, तो 4:16 करने से 1:4 होता है, हो गया पहले ऑप्शन से ही आंसर आ जा रहा है। ठीक है 5 से करके देखो जो आंसर आएगा 19 - 5 करने से 14 होगा, और 31 को माइनस करेंगे तो आई थिंक 26 होगा, जिसका रेशियो 1:4 नहीं आता है। देखो कोई भी एक ही ऑप्शन से आंसर आएगा, दो दो ऑप्शन से आंसर कभी नहीं आता है। ठीक है तो 23 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, ये तो काफी आसान था, वैसे भी ऑप्शन देख के जो हम लोग कर सकते वो आसानी है। ठीक है 19 में 15 माइनस कर दिया तो यहाँ पर हो गया 4, और इसके अलावा माइनस करना है 31 में 15, 4:16 1:2। ठीक है तो 23 का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो, 24 ये भी हम लोग का ऑप्शन देख के हो जाएगा। डेली अर्निंग ऑप्शन देख के, हाँ ऑप्शन देख के हो जाएगा। डेली अर्निंग ऑफ 2% आर इन द रेशियो 4:5 और डेली एक्सपेंसेस 7:9 इफ ईच सेव्स 50 पर डे डेली अर्निंग। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व करके किया था, लेकिन अगर ऑप्शन मिल जाए तो सॉल्व क्यों करें, तो मुझे बोलो ऑप्शन देख के कैसे बता सकते हो कि इनका डेली अर्निंग कितना, सॉल्व करने का जरूरत नहीं। अब देखो ये तो रेशियो करोगे तो 5:4 होगा, ऑप्शन भी तो नहीं होगा, बच्चा ए और सी। अब तुम लोग बोलोगे इसका भी तो 4:5 हो रहा है, इसका भी 4:5 हो रहा है, तो कैसे कंफर्म करें, तो देखो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब किसी का अगर अर्निंग ही 50 है बोलो, तो अगर 40 इनकम हुआ तो 50 तो सेव कर ही नहीं सकते। वही हम बोल रहे थे कि अगर 50 किसी का इनकम है तो 50 सेविंग्स कैसे करेगा, 40 किसी का इनकम है तो उसका तो 50 सेविंग्स हो नहीं सकता है, मतलब ये अंडर वैल्यूड डेटा दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखो 400 और 500, क्योंकि ये 4:5 भी होता है और
सेविंग्स भी पॉसिबल है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। 25, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो देखो ये ऑप्शन से भी होगा, सॉल्व करके भी होगा, तो तुम लोग बताओ कौन सा आंसर होगा, फिर हम दोनों तरीके से बताते हैं, ऑप्शन देख के भी हो। अगर ऑप्शन से नहीं कर पाते हो तो डेटा कैलकुलेट करके बताओ। सेवेंटी किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सी होगा, सर ऑप्शन सी होगा, सही कहा है। अच्छा अब तुम लोगों ने जैसे भी किया है ठीक है, आंसर सही है। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, हम पहले सॉल्व करके दिखा देते हैं। बोला है रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन, अगर दो ट्रेन का रेशियो निकाला है तो ये सेम बेस पे ही निकाला होगा, तभी रेशियो निकला होगा। फिर बोल रहा है सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर चल जाता है 5 आवर्स में, तो सेकेंड ट्रेन जो है, ये देखो सेकेंड ट्रेन जो है वो 5 आवर्स में जाता है 400 किलोमीटर, ठीक है 400 किलोमीटर, तो 1 आवर में कितना जाएगा, ऑब्वियसली कम जाएगा, तो 80 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे सेकेंड वाला ट्रेन चलता है, ठीक है। अब जब रेशियो निकाला होगा तो दोनों का बेस तो बराबर ही हुआ होगा, तो यहाँ पर ये फिर पर किलोमीटर का होगा या 400 किलोमीटर का होगा, जो भी रेशियो क्यों ना हो वो हम लोग 400 किलोमीटर का लिखेंगे, तो उसको रिड्यूस करते करते जब आएंगे तो वो 1 किलोमीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेन जो है इतना इतना किलोमीटर चलता है, हम लोग ये बोल सकते हैं 7x और 8x स्पीड, स्पीड जो है ये हम लोग बोल सकते हैं, लेट स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इतना किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो फिर 8x इक्वल टू 80 हो गया, सेकेंड वाला ट्रेन का तो हमें पता चल गया, तो x हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब फर्स्ट वाले ट्रेन का जो स्पीड है वो 7 × 10, क्योंकि x का वैल्यू 10 आया, 70 किलोमीटर पर आवर है। ये तो हो गया एक लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ये है लिख के पूरा सॉल्व वॉल्व करके, बिना सॉल्व किए कैसे बोल सकते हो, देखो बिना सॉल्व किए एक छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पर रेशियो दिया है 7:8, ठीक है, हम लोग को पूछा है फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना है, तो अगर मेरा रेशियो 7:8 है तो ये रेशियो जो जितने भी वैल्यूज पे किए गए क्यों ना हो, ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम लोग 400 किलोमीटर के बेसिस पे ही करें या 1 किलोमीटर, मेरा ओवरऑल 7:8 आ रहा है, मतलब मेरा 1 किलोमीटर का ही रेशियो बना हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है फर्स्ट ट्रेन का स्पीड मुझे पूछ रहा है, तो फर्स्ट ट्रेन का ये है और सेकेंड ट्रेन का ये दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेन अगर यहाँ 70 होगा और सेकेंड वाला ट्रेन यहाँ 80 होगा, तब ना जाके रेशियो 7:10 होगा, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये सी जो है 70 होगा। अब तुम लोग सोचोगे कि अगर ये रेशियो किलोमीटर वाइज नहीं देके 400 किलोमीटर पे किया हुआ है तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि 400 किलोमीटर जाने पे 5 आवर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो हमें पूछा है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना है, मतलब किलोमीटर पर आवर कितना चलता है, ठीक है। तो ये देखो किलोमीटर पर आवर कितना चलता है, अगर वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये 7:8 जो है ये भी तो स्पीड का ही दिया हुआ है, स्पीड का मतलब ये भी किलोमीटर पर आवर ही दिया हुआ है, क्योंकि स्पीड बताने का मतलब तो किलोमीटर पर आवर ही होगा, ठीक है। तो उससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये पहला डेटा 7 है, तो फिर वहां 70 ही फिट होगा, ठीक है। और अगर वैसा नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं कि दोनों ट्रेन का स्पीड है 7x 8x किलोमीटर पर आवर, अब ये तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है, तो 8x जो है पर किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर, तो फिर x यानी 10, तो फिर ये 70 हो जाएगा। बाकी ये जो है शॉर्टकट है इससे भी कर सकते हैं। तो ये 25 वाला हम लोग का हो गया और रेशियो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलो अब हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? देखो, इफ टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. ठीक है, अगर दो रेशियो इक्वल हो तो हम लोग उसको प्रोपोर्शन में है ये बोल सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बोले कि ए इज टू बी इक्वल सी इज टू डी है, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व, ये जो ए बाय बी का वैल्यू जितना है सी बाय डी का वैल्यू भी उतना है, अगर हम लोग ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन में है. ठीक है, ये जो है ये प्रोपोर्शन में. अब इसको अगर हम लोग किसी नंबर से डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? मान लो मैंने लिखा 4:6 इक्वल टू लिखा 2:3, तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? तुम लोग बोलो क्या ये प्रोपोर्शन में है? 4:6 इक्वल 2:3, क्या ये सही है जो मैंने एग्जाम्पल लिया है? क्या ये सही लिखा है मैंने? मतलब क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं? हाँ, ऑब्वियसली इक्वल है, क्योंकि इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे तो 2:3 आएगा. तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों रेशियो क्या है, आपस में प्रोपोर्शनेट है या फिर प्रोपोर्शन में है. ठीक है. अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने रेशियो का टर्म पढ़ा था, यहाँ पर प्रोपोर्शन का भी हम लोग टर्म पढ़ेंगे. जैसे कि ए इज टू बी अगर सी इज टू डी होता है तो टर्म्स का नाम क्या होता है? जैसे ए को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म. ठीक है, ए को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, बी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म. नॉर्मली जो बोलते हैं, ठीक है, इसके अलावा स्पेशल नाम भी बता देते हैं. जैसे वहां बताया था, इसमें देखो ये भी एंटीसीडेंट है ये कंसिक्वेंट है, वो तो है. इंडिविजुअली रेशियो में देखेंगे तो एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट. अब इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड टर्म, क्योंकि तीन नंबर जगह पे है, और ये हो जाएगा फोर्थ टर्म. ठीक है, ये चार नंबर जगह पे. इसके अलावा भी कुछ स्पेशल नाम है, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स. ठीक है, एक्सट्रीम मतलब एकदम एंड में है ना, ये इधर साइड में है, ये इधर साइड में है. ठीक है, तो ये डी लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं. और ये बीच वाले टर्म का भी एक नाम दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म. और इसका और एक भी नाम है, ठीक है, इसका और एक भी नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म या फिर मीन टर्म. ठीक है, इसको हम लोग मिडिल टर्म या फिर मीन टर्म बोलते हैं. अच्छा, अब देखो अगर ये रेशियो ये प्रोपोर्शन में क्यों है? क्योंकि ए बाय बी और सी बाय डी दोनों बराबर है, इसीलिए प्रोपोर्शन में है. तो जब ऐसा होता है तो हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स लगा सकते हैं. जब कोई डेटा, जब कोई रेशियो दो रेशियो प्रोपोर्शन में है तो हम लोग उस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल. क्रॉस प्रोडक्ट रूल मतलब जो रूल्स को फॉलो करके तुम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए इंटू डी इक्वल हो जाएगा बी इंटू सी. ठीक है, तो ए और डी क्या था? देखो एक्सट्रीम टर्म था, तो इसको क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल बी और सी का मल्टीप्लीकेशन जो मिडिल था, तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल या मीन जो बोलना चाहो बोल सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि मिडिल और मीन दोनों ही बोला जाता है. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मीन. ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट है हम लोग को याद रखना है, कैलकुलेशन करते वक्त भी काम आएगा, और दूसरा है कि हमें एमसीक्यू में भी पूछ सकता है. ठीक है, तो क्या मेनली याद अभी तक हम लोगों ने सीखा कि प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियो बराबर होते हैं आपस में तो वो प्रोपोर्शन होता है. टर्म्स का अपना अपना नाम होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो तो होता ही. इसके अलावा साइड वाले दो को एक्सट्रीम टर्म बोला जाता है, बीच वाले को मिडिल या मीन टर्म बोला जाता है. और अगर दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है उस केस में इनके ऊपर क्या लग जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट रूल. और क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन ये बन जाता है. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट इस पे पढ़ते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन.
कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन फॉर थ्री टर्म्स दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी. ठीक है, अगर मेरे पास तीन टर्म है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और मुझे अगर प्रोपोर्शन बना के देना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका रूल्स क्या है? उसका रूल्स ऐसे हो जाएगा, ये देखो, ए इज टू बी इक्वल हो जाता है बी इज टू सी. ठीक है, ये भी तुम लोगों को याद रखना है कि अगर मेरा तीन ही टर्म है, ठीक है, लेकिन मुझे प्रोपोर्शन बनाना है, तो कौन सा टर्म रिपीट हो जाता है? बीच वाला, मतलब ए के साथ बी का कंपैरिजन, देन बी के साथ सी का कंपैरिजन. ठीक है, और ये जो है, ये जो बी और बी है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल. ठीक है, इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल, और इन दोनों को बोला जाता है फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन. इसको बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, या फिर एक्सट्रीम, या फिर एक्सट्रीम, ये बोला जाता है. मेन बात क्या याद रखना है, अगर तीन प्रोपोर्शन है तो बीच वाला खुद को रिपीट करेगा, ए बाई बी, बी बाई सी, इस तरीके से हो जाएगा. अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए इज टू बी इक्वल बी इज टू सी है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बाई बी, बी बाई सी, और क्योंकि ये प्रोपोर्शन पे है, तो इस पे भी हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल्स अप्लाई होगा. तो हम लोग बोल सकते हैं बी इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, यानी बी स्क्वेयर इक्वल ए सी. ठीक है, और इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी इक्वल रूट ओवर ऑफ ए सी. ठीक है, ये बोल सकते हैं. तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी अभी दिखाया, बी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल. फिर से बता देते हैं, बी को हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, और ये जो रूट ओवर ऑफ ए सी है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ऑलरेडी लिखवाया है, फिर भी इसमें भी वही चीज अप्लाई होगा, ये बताने के लिए मैंने ये चीज फिर से बताया. देखो कि ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ये देखो एक्सट्रीम में कौन है, साइड में दो ही है ए और सी, तो एक्सट्रीम मतलब साइड, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ऑटोमेटिक आएगा, इसको तो रटने का कोई जरूरत ही नहीं. ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा. अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पर तीन टर्म्स का कंटिन्यू प्रोपोर्शन दिखाया. अगर मेरा तीन से ज्यादा हो, थ्री और मोर टर्म्स हो, तो फिर उसका कंटिन्यू प्रोपोर्शन कैसे होगा? मतलब ये देखो, अगर मेरे पास ऐसा टर्म है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू कॉमा पी कॉमा क्यू, और मुझे निकालना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एक सेकेंड. अच्छा तुम लोग एक मिनट इससे लिखो, हम एक सेकंड आते हैं, मुझे थोड़ा चाबी देना है, हम एक सेकंड. एक
हाँ ठीक है, देखो। अच्छा, ये जो लिख रहे थे एक्स वाई जेड, तुम लोग मुझे बता सकते हो कि इसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे लिखोगे? अगर तीन टर्म का वैसे होता है तो इसके केस में कैसा होगा? तीन टर्म का कैसे हुआ? ए बी सी हुआ, तो ए बाई बी, बी बाई सी, तो इस केस पे कैसा होगा, क्या तुम लोग बता सकते हो? कोशिश करो। मैम एक्स बाई वाई इक्वल्स टू जेड बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू पी बाई जेड नहीं, ऐसा कैसा होगा? यहाँ पर अगर ए एक्स बाई बाई बी, वाई बी बाई वाई बाई सी, जेड हाँ, वाई बाई जेड, उसके बाद जेड बाई डब्ल्यू जेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई पी 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 बाई क्यू डब्ल्यू बाई बी, पी बाई क्यू। हाँ, ये सही बना है ना। वो जो वैसा जो बोल रहे हो वो कैसे हो सकता है? बिकॉज ए बाई बी, बी बाई सी हुआ, तो सेकेंड वाला रिपीट हुआ। अभी तो मैंने बार बार बोला सेकेंड वाला रिपीट हुआ, तो एक्स वाई, वाई के बाद जेड डब्ल्यू कैसे आ सकता है? सेकेंड ये रिपीट होगा, पहले एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू पी, फिर पी क्यू, ऐसे करके सिक्वेंस में चलेगा। ठीक है, तो ये देखो नॉर्मली इतना बड़ा नहीं आता है, लेकिन इससे तुम लोग को याद रह जाएगा कि हमें कैसे करना है। हमें जो है मतलब एक के साथ एक को एड ऑन करते जाना है बेसिकली। अगर देखो तो एक्स वाई का कंपेरिजन, फिर वाई जेड का, फिर जेड डब्ल्यू का, फिर डब्ल्यू पी का, फिर पी क्यू का, इस तरीके से चलेगा। तो अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तीन या उससे ज्यादा टर्म का है तो वो ऐसा होगा। मैंने ये डॉट डॉट क्यों दे दिया, मतलब ऐसा चलता जाएगा, जितना सारा डेटा रहेगा उस हिसाब से चलता जाएगा। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने रेशियो में एक चीज पढ़ा था कि ए इज टू बी और सी इज टू डी में, अगर रेशियो के हिसाब से देखो तो रेशियो हमें क्या बोल रहा था कि ये दो रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम क्या होना चाहिए बोलो? सेम यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, और ये इंडिविजुअली देखे तो ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम यूनिट का। हम लोगों ने इस पे एग्जांपल भी देखा था कि दोनों टाइम रेशियो, दोनों मिनट सेकेंड में ट्रांसफर किया था, दोनों को ग्राम में ट्रांसफर किया था, दो एग्जांपल हम लोगों ने किया था। लेकिन जब हम लोग प्रोपोर्शन निकालते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम यूनिट हो। नीड नॉट बी, नो नीड टू बी सेम यूनिट, नो नीड टू बी ऑफ सेम यूनिट। सेम यूनिट का हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब जैसे कि देखो ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो दिया हुआ है 20 kg इज टू 30 kg। ठीक है, और इधर मैंने लिख लिया मान लो कि 200 सेकेंड इज टू 300 सेकेंड। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा? 20/30, केजी केजी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे 200 सेकेंड/300 सेकेंड, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/3 और ये भी 2/3, क्योंकि दोनों बराबर है, तो दोनों क्या बन गया? प्रोपोर्शन। ठीक है, दोनों प्रोपोर्शन हो गया। लेकिन ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सेम, ये देखो ये रेशियो आपस में सेम यूनिट है, ये सेकंड पे है, ये केजी पे है। ठीक है, लेकिन ये केजी है, ये सेकंड है, ये दोनों बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। प्रोपोर्शन होने के लिए रेशियो बराबर होने से ही हुआ, और रेशियो क्योंकि यूनिट फ्री मेजरमेंट है तो
रेशियो को अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो फॉर्म में जाते हैं तो फिर हमारा यूनिट तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो फिर इक्वल होने के लिए तो सिर्फ डेटा ही जो है वो वैलिड होगा ना। तो इसीलिए इस तरीके का चीज जो है हमें याद रखना है कि ये दोनों सेम यूनिट हो ये कंपलसरी है, लेकिन ये दोनों आपस में सेम यूनिट ऐसा जरूरी नहीं। अगर सेम हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, जरूरी नहीं है कि होना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक एक करके प्रोपोर्शन का जो है प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डुप्लीकेट रेशियो पढ़ा, ट्रिप्लीकेट पढ़ा, सब डुप्लीकेट पढ़ा, यहाँ पर भी अलग अलग नाम होता है। जैसे कि पहला है इनवर्टेंडो। ठीक है, इनवर्टेंडो क्या होता है, अगर मान लो दो प्रोपोर्शन है ए इज टू बी और सी इज टू डी, इसका अगर इनवर्टेंडो करते हैं तो वो कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा ए इज टू सी इक्वल टू यहाँ पर बी इज टू डी। मतलब चेंजेस किस में होगा हम हाईलाइट कर देते हैं। देखो बी के जगह सी जाएगा, सी के जगह बी जाएगा, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इनवर्टेंडो में क्या होता है ए इज टू बी सी इज टू डी, तो जब इसका इनवर्टेंडो करेंगे तो ए और डी अपने जगह पे फिक्स्ड है। देखो यानी कि एक्सट्रीम टर्म्स फिक्स है, ऐसे याद रख सकते हो, ओनली मिडिल टर्म जो है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो सी के जगह डी, डी के जगह सी आ गया, एक दो बार पढ़ने से ये याद हो जाता है, ये उतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा उसके बाद कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंटो में क्या होता है, मान लो दो रेशियो है ए इज टू बी और सी इज टू डी। ठीक है, तो कॉम्पोनेंटो में हमें क्या करना है, कंपाउंड, बेसिकली ये कंपाउंड होता है। तो ए इज टू बी को देखो हम लोग ए बाई बी लिखते हैं और सी इज टू डी को सी बाई डी लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे, क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है बी, यहाँ पर ऐड कर देना है डी। मतलब हम लोगों ने चेंजेस क्या किया उसको हम कलर से दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ पर जाके ऐड बैक हो जाता है। ठीक है, तो ए बाई बी सी बाई डी जैसा था वैसा, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे तुम लोग भी लिखोगे और ऐसे लाइन लगा दोगे दूसरे कोई कलर से तो याद रह जाएगा, सेम कलर से भी लगा सकते हो पेन से। ठीक है, तो ये देखो ए बाई बी सी बाई डी, कॉम्पोनेंटो का मतलब ये डिनोमिनेटर ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉम्पोनेंटो। अब इससे क्या बन जाएगा, इसके बाद ये, डिविडेंडो भी आएगा। हाँ डिविडेंडो भी आएगा इसके बाद, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ भी आएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट ये रेशियो कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका मतलब ए प्लस बी इज टू बी और इक्वल हो जाएगा सी प्लस डी इज टू डी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अच्छा ये रेशियो चेंज हो कैसे हो गया, अच्छा सिंपल। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे डिविडेंड, तो डिविडेंडो कैसे होगा, ए इज टू बी और सी इज टू डी नीचे प्लस ए दोनों, होगा। हाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होगा। ओ हाँ माइनस। हाँ कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है प्लस, डिविडेंडो का मतलब होता है माइनस। ठीक है, जब कंपाउंड करेंगे तो प्लस, जब डिवाइड होगा तो माइनस। तो ये देखो ए बाई बी यहाँ पर भी लिखना है, सी बाई डी यहाँ पर भी लिखना है। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे बी प्लस हो गया था सेम तरीके से यहाँ डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। हम यहाँ एरो लगा देते हैं, चेंजेस क्या हुआ, ये वाला चेंजेस हुआ। ठीक है, अब इससे हमारा रेशियो नया वाला वो कैसे क्या बन गया, नया वाला रेशियो जो है वो ऐसे बन गया ए माइनस बी इज टू बी और इक्वल ये सी सी माइनस डी इज टू डी, सी माइनस डी इज टू डी, ये बन गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों चीज एक साथ, तो हम नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, यहां पर जगह नहीं, वो लिखने में थोड़ा जगह चाहिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर दोनों चीज एक साथ होता है तो उसमें भी क्या होगा, सेम तरीके से देखो, अगर मेरा ए इज टू बी है और सी इज टू डी है, मतलब ये ऐसे लिखने का मतलब दोनों प्रोपोर्शन में है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब हो गया मुझे कॉम्पोनेंडो भी करना है डिविडेंडो भी करना है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कॉम्पोनेंडो का मतलब प्लस, डिविडेंडो का मतलब माइनस, मतलब मुझे दोनों चीज अप्लाई करना है। तो ये कैसे बन जाएगा, देखो पहले हम करेंगे ए बाई बी और इधर भी हम करेंगे सी बाई डी, लेकिन मुझे दोनों चीज अप्लाई करना है। तो जब हम कॉम्पोनेंडो करते हैं तो प्लस बी करते हैं और प्लस डी करते हैं, और जब डिविडेंडो करते हैं तो माइनस करते हैं। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि रेशियो है ना तो हम इसको डिवाइड कर देंगे,
तो यहाँ पर बेसिकली इसको ऐसे चाहो तो अपने समझने के लिए लिख सकते हो, मुझे कॉम्पोनेंडो बाई डिविडेंडो करना पड़ेगा। तो कॉम्पोनेंडो हो गया, डिविडेंडो कैसे निकालेंगे, डिविडेंडो का मतलब हो गया मुझे माइनस कर देना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो ए बाई बी यहाँ पर भी, सी बाई डी यहाँ पर भी, ये डी माइनस ये बी माइनस, जो अभी हम लोगों ने इंडिविजुअली सीखा। अब इसको इंटरचेंज करते हैं, मतलब थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू बी बाई ए माइनस बी, ठीक है, इधर वाला इक्वल सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी इंटू डी बाई सी माइनस डी। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इधर आ जाता है ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, और इधर का बन गया सी प्लस डी, प्लस नहीं लिखा जा रहा है, हाँ, और c माइनस डी, ये निकल के आ गया, ठीक है। तो ये देखो कोई सॉल्व करने नहीं देगा हम लोगों को, ठीक है, लेकिन ये याद रखने का तरीका। अगर हम डायरेक्ट बोल देते कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब सिंपल ऐसे करना है तो भी याद रख सकते हो। ये देखो सिंपल ऐसे कर दो, a बाई, अब देखो a बाई बी रहेगा नहीं ना, ये देखो a प्लस बी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करने से, सी प्लस डी सी माइनस डी। तो उसका मैंने देखो यहाँ पर लॉजिक बता दिया कि बेसिकली कैसे करने से ये पॉसिबल है। तो कंपोनेंटो बाय डिविडेंडो कर देना है, कंपोनेंटो में प्लस डिविडेंडो में माइनस, क्या प्लस माइनस करना है, डिनोमिनेटर को प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है, ये ऐसे बन गया। अब इसका रेशियो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है a प्लस बी इज टू ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी इज टू सी माइनस डी, हो गया, ये रेशियो बन गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के बाद पढ़ेंगे एडेंडो। अच्छा, एडेंडो क्या होता है, एडेंडो का होता है अगर मान लो ए इज टू बी इक्वल सी इज टू डी इक्वल ई इज टू एफ है, ठीक है। तो ईच टर्म इक्वल, एक बार लिखो हम इसको भी समझा लेते हैं, ईच टर्म इक्वल ए प्लस सी प्लस ई प्लस डॉट डॉट, सभी का फर्स्ट टर्म लिया है ए सी ई, और नीचे आ जाएगा सभी का सेकेंड टर्म, मतलब बी प्लस डी, ये डी हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा प्लस डॉट डॉट, क्योंकि इसके आगे रेशियो चलेगा तो इसके आगे ऐसे चलेगा। यहां पर लिखते हैं एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ऑल रेशियोज, जितने भी रेशियोज रहेंगे सभी के फर्स्ट टर्म के एडिशन, डिवाइडेड बाई एडिशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ ऑल रेशियोज, जितने भी रेशियोज रहेंगे उसके एडिशन हो जाएंगे सेकेंड टर्म का, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये ट्रू होता है, हर एक टर्म का वैल्यू ये होगा, तो देखो हम इसको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देने से ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ना कैलकुलेशन करने में काम आएगा। जैसे कि देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 is to 3 equal to 4 is to 6 equal to यहाँ पर 8 is to 16, ठीक है। ये सभी ना प्रोपोर्शन है, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है ताकि ये प्रोपोर्शन में हो। मैंने 2 is to 3 किया, दोनों को मैंने दो दो गुना बढ़ाया, फिर दोनों को दो दो गुना बढ़ाया। अगर तुम लोग इसका जो है सिंप्लीफिकेशन करते हो, 2 is to 3 आता है, इसका भी सिंप्लीफिकेशन करते हो तो नहीं, क्या हो गया, ये तो 12 होगा ना, मैंने गलत लिख दिया, ये देखो ये 12 होगा। तो इसका भी अगर सिंप्लीफिकेशन करते हो तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 इज टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है, तो एडेंडो में क्या बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 2 प्लस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो 3 प्लस 6 प्लस 12। अब देखते हैं कितना आ रहा है, बोल रहे हैं वो ईच टर्म का वैल्यू होगा, मतलब ये जो आंसर आएगा वो इक्वल टू 2 इज टू 3, वो इक्वल टू 4 इज टू 6, वो इक्वल टू 8 इज टू 12 होगा। अब किसी एक के साथ इक्वल होने का मतलब सभी के साथ होगा, क्योंकि ये तो सब प्रोपोर्शन में है। तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, ठीक है। और यहाँ पर हो गया मेरा 15, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, ये क्या हो गया 3 प्लस 6 नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए 2 प्लस 4 प्लस 8 14, 6 प्लस 3 प्लस 12 21। अच्छा हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करो,
2/3 आ गया, तो बोल रहा है एडेंडो वही बता रहा है कि अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन इस तरीके से है उसको अगर एडेंडो फीचर्स में डालते हैं तो हर एक टर्म का फर्स्ट टर्म का रेशियोज के हर एक फर्स्ट टर्म का एडिशन बाय रेशियोज के हर एक सेकेंड टर्म का एडिशन को अगर हम लोग रेशियो बनाते हैं तो जो टर्म का आंसर आएगा वो ईच टर्म के साथ बराबर होगा. दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, यही प्रॉपर्टी बोला. ये मैंने थोड़ा सा इसीलिए डिटेल्स में बताया बिकॉज इससे ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और इसके बाद आएगा सब ट्रेंड. ठीक है, इसके बाद आ रहा है सब ट्रेंड. सब ट्रेंडों में क्या होगा, अगर ए इज टू बी इक्वल सी इज टू डी इक्वल ई इज टू एफ है, ठीक है, तो ईच टर्म जस्ट इसका ऑपोजिट, इसमें ऐड हो रहा है फर्स्ट टर्म, इसमें लेस होगा. ए माइनस सी माइनस ई, ये एक ई है एक सी है. ठीक है, फिर सेकेंड टर्म तो बी माइनस डी माइनस एफ. ठीक है, तो ये डॉट डॉट ऐसे माइनस देके डॉट डॉट, ऐसे माइनस देके डॉट डॉट, ये चलता जाएगा. ठीक है, ये चलता जाएगा इस तरीके से. थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, माइनस डॉट डॉट डॉट, माइनस डॉट डॉट डॉट. ठीक है, इक्वल क्या हो जा रहा है, डी सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म. ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियोज डिवाइडेड बाई सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल सेकेंड टर्म ऑफ रेशियोज. ठीक है, सारे रेशियोज का सेकेंड टर्म का सब्ट्रैक्शन, और इसमें भी ईच टर्म आएगा. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पे भी ये तुम लोग अप्लाई करके देख सकते हो. जैसे कि 2 - 4 - अगर हम लोग 8 करें और डिवाइडेड बाय 3 - 6 - 12 करें तो उसमें भी हम लोग का 2:3 आना चाहिए. देखते हैं, तो 2 - 4 - 2 - 2 और -8 -10 हो जाएगा. 3 - 6 हो गया -3, -3 और -12 -15 हो गया. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 2:3. ठीक है, तो ये भी इसमें भी अप्लाई हो जाएगा. तो एक ही एग्जाम्पल से दोनों चीज को समझ सकते हैं और इसका एग्जाम्पल हम नहीं दे रहे. अच्छा, तो एक ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इस पे हमारा प्रोपोर्शन का ओवरव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अच्छा अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं. अच्छा, जैसे यहाँ पर पहला देखो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि 8 rupees 6 is to rupees 8 = 12 toffee is to 16 toffee. ये प्रोपोर्शन में है, क्यों? क्योंकि देखो प्रोपोर्शन में होने के लिए रेशियो बराबर होना चाहिए. तो 6:8 का, एक सेकेंड, क्या देखो, तो यहाँ पर हम लोग 6:8 जो दिया हुआ है, 6:8 और 12:16, ये भले ही दोनों चीज जो है अलग अलग मतलब काइंड का है, काइंड नहीं, हाँ काइंड भी अलग है. देखो रुपीज रुपीज और ये टॉफी टॉफी दिया हुआ है. ठीक है, तो ये जो है ये क्वांटिटी में है, ये जो है ये रुपीज में है, लेकिन अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये हो गया 3:4 और ये हो गया 2 से डिवाइड 4 से करते हैं 3:4. तो इसीलिए ये प्रोपोर्शन में है. ठीक है, बाकी ये दोनों आपस में बिल्कुल रेशियो है क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है, इसका रुपीस और इसका नंबर ऑफ टॉफीज. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताया जो मैंने अभी तुम लोग को बताया भी था. यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से मैंने लिख के बताया ना कि हम लोग का जरूरी नहीं है
कि ये दोनों सेम हो, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर एग्जाम्पल वन ये देखो, बोला है कि द नंबर 2.4, 3.2, 1.5, 2 आर इन प्रोपोर्शन बिकॉज द नंबर सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मतलब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स अप्लाई करके भी देख सकते हैं कि अगर दोनों साइड बराबर हो रहा है तो वो प्रोपोर्शन में है। बोल रहे ये सारे नंबर प्रोपोर्शन में है, तो लगातार जैसे दिया हुआ रहता है उसी तरीके से हमें प्रोपोर्शन समझना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है देखो 2.4 यानी कि इस टू 3.2 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब, और इक्वल हो जाएगा 1.5:2। अब ये देखो 2.4, 3.2, 1.5/2, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 2.4:2 और 1.5:3.2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.8, और ये कितना होता है 1.5:3.2, ये भी होता है 4.8, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का प्रोपोर्शन में, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट रूल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी तुम लोग 2.4/3.2 करके देखो, दोनों साइड सेम आंसर आएगा। ये देखो 2.4/3.2, तो इधर हम लोग का आंसर आ रहा है 0.75, और अगर तुम लोग इस पे ट्राई करते हो 1.5/2 तो भी तुम लोग का 0.75 आएगा। तो दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हम लोग का प्रोपोर्शन में है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम यहीं पर करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये समझने के लिए दिया हुआ है। अच्छा अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स का, इफ 10/3:x प्रोपोर्शन। ये देखो प्रोपोर्शन के लिए ये साइन भी यूज होता है, डबल ऐसे, ठीक है, हम दिखा देते हैं 5/2:5/4, इसमें हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन जो है, ये तुम लोग बताओ कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में बोला है 10/3:x इक्वल 5/2:5/4, हम लोग को बताना है कि एक्स कितना होगा। तो तुम लोग ट्राई करना चाहोगे, करो, एक्स कितना होगा। बोलो एक्स कितना है, देखो अगर रेशियो है तो डिवाइडेड बाय एक्स होगा, और डिवाइडेड बाय 5/4, वन होगा क्या? 1 नहीं 5/3 होगा, एक्स इंटू 5/2, 5/4:10/3, एक्स इक्वल 5/4:10/3, ये इधर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा 2/5, 5/5 कैंसिल आउट, 2/2 कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल आउट, 2/5, 5/3 ये आंसर है। ये रेशियो है तो सिंपल डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हाँ ये 5/3 हो। अच्छा अब एग्जांपल 3 ये बताओ क्या हो। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन इफ 2/3, 3/7, 4 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर ये तीनों प्रोपोर्शन में है तो फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो अगर तीन चीज प्रोपोर्शन में है तो उसे कैसे लिखना है मैंने सिखाया है, वैसे लिखोगे तो तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला था ABC अगर प्रोपोर्शन में है तो क्या लिखोगे, नहीं मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने बोला है। अच्छा 4 नंबर प्रोपोर्शन है, इसका मतलब 4 नंबर प्रोपोर्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो कितना होगा। ये नहीं बोला है कि तीन प्रोपोर्शन में है, 4 डेटा प्रोपोर्शन में है, लेकिन 4 नंबर वाला मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। अगर 2/3, 3/7 और 4 ये डेटा गिवन है। हम एक्स ले लेंगे क्या? फोर हाँ एक्स ले बाई लो, एक्स एक्स ले लो, हो जाएगा। फोर बाई एक्स 4/x, हाँ
ऐसे लिखने से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे ऐसे लिखोगे तो भी हो जाएगा। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन टू, 2/3, 3/7, 4। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग मान लेते हैं, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स। तो फर्स्ट हो जाएगा 2/3 is to 3/7 और 4 is to x, क्योंकि फोर्थ नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ बोलो, आवाज कट गया। 14/7। 18/7 है, 18/7 ठीक है। 4/x, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लो, ठीक है। तो x इंटू 2/3, 4 into 3/7, तो x इक्वल 4 into 3/7, और ये उधर चला जाएगा, रिवर्स हो गया, 3/2, तो ये 2 हो गया और 18/7। बाकी तो देखो कैलकुलेशन पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ समझने वाला चीज क्या था, अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने बोल रहा है, मतलब ये वाला मेरा ब्लैंक है, ठीक है, ये वाला मेरा ब्लैंक है, मुझे ये निकालना है, ये डेटा एग्जिस्ट करता है। तीन ही प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं है, चार अलग अलग डेटा प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अभी थोड़ा सा सॉल्व करने में जो है वो सीखने को मिलेगा, ठीक है। बेस भी अच्छा होना चाहिए हमारा, बाकी जब ऑप्शन में आओगे तो पुट कर करके भी देख सकते हो किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 इसमें बोला है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन 2.4 kg एंड 9.6 kg। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज क्या दिया है। तो फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन टू 2.4 kg कॉमा 9.6 kg। हाँ, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन टू 2.4 kg कॉमा 9.6 kg, ये तुम लोग को फाइंड आउट करके बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन तो मतलब तीन ही डेटा है, जब दो डेटा दिया है बोले थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, मतलब चार नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब एबीसी वाला कंसेप्ट हो गया। तो जैसे मैंने सिखाया वैसे लिखना है। एबीसी में जैसे होता है a:b, b:c, मतलब 2.4, थर्ड प्रोपोर्शन 4.8। थर्ड प्रोपोर्शन 4.8, एक सेकेंड, नहीं 38.4। तो ए बी और सी थर्ड प्रोपोर्शन तक चल रहा है, मतलब दिमाग में ये सेट कर लेना चाहिए, ए बी सी, तो a:b और b:c होगा, ठीक है। तो a:b और b:c, सी तो मुझे नहीं पता, तो सी को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो 2.4 by 9.6 equal 9.6 by x, तो 2.4 into x equal 9.6 into 9.6, तो x equal to 9.6 into 9.6 divided by 2.4, देखते कितना आता है, डिवाइडेड बाई 2.4, 38.4 आएगा आंसर, 38.4, ये हम लोग का हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। तो अगर मुझे दो डेटा दिया है, थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढने के लिए बोल रहा है, मतलब तीन ही प्रोपोर्शन है एबीसी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया था, फोर्थ प्रोपोर्शन, तीन चीज दिया हुआ था, मतलब मेरा कंसेप्ट जाता है ABCD तक, तो A/B और C/D, वैसे ही मैंने किया, जो मिसिंग है उसको एक्स मान लेंगे। अगर मुझे बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, दो डेटा है, तो ABC मानना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल 5, यहाँ पर निकालना है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। मीन प्रोपोर्शन मतलब मिडिल वाला वैल्यू निकाल के देना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है 1.25 और 1.8, इसका मतलब ये दोनों एक्सट्रीम होगा, वन इसके पॉइंट टू बीच फाइव का। बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1.8। हाँ सही बात, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया भी था, ये देखो ये भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। मीन प्रोपोर्शन ऐसे होता है, बी इक्वल टू √ of AC, डायरेक्ट ये लगाओगे तो भी हो जाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं लेट
मीन प्रोपोर्शन देखो दो तरीके से हो जाएगा, एक्स मान के भी होगा वो तो अच्छा ही है, उस वैसे भी कर सकते हो, बी है तो बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, और ए सी का मतलब होता है एक्सट्रीम टर्म, मतलब 1.25 × 1.8। लेकिन ये आया कैसे, वो तो वो मतलब इसको हम लोग अरेंज करते हैं तभी ना वो आंसर आता है, ठीक है। तो ये देखो 1.25 × 1.8, ये जितना भी आया 2.25 इसका कर दो रूट, तो 1.5, इसका आंसर 1.5 आ जाएगा। और एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन बोला है तो मतलब मिडिल वाला मिसिंग है, मतलब तीन डेटा ए बी सी, मतलब वही ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, तो ये ए मान लो ये सी मान लो, ठीक है। तो बी इंटू बी वही 1.25 × 1.8, एक ही बात है, ठीक है, हम लोग जैसा चाहे कर सकते हैं। तो बी इक्वल टू हो गया रूट ओवर ऑफ 1.25 × 1.8, सेम बात 1.5, ये आंसर आ जाए। क्या बोला है क्वेश्चन में उसके ऊपर डिपेंड करके हमें कौन सा फॉर्मूला जस्टिफाइबल है वही लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आंसर आएगा। अच्छा ये इसके बाद एग्जाम्पल 5, ठीक है, तो ये 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया। अच्छा प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया है। अब दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसपे मैंने बोला एडेंडो रूल्स तुम लोग लगा सकते हो, ठीक है, तो ये बताने का कोशिश करो ये कैसे होगा। एडेंडो रूल से हो सकता है ए इज टू बी इक्वल सी इज टू डी इक्वल 2.5 इज टू 1.5, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना है ए डी इज टू बी सी कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इस पे, सेकेंड क्वेश्चन ए प्लस सी इज टू बी प्लस डी ये कितना होगा, ये हम लोग को बताना, ये हम लोग को बताना। हम इतना बोल सकते हैं अगर एडेंडो से करोगे तो जल्दी होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाएगा, एक आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा, एक आंसर एडेंडो से होगा, एक बार ट्राई करके देखो होता है कि नहीं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा, मतलब सिंपल रेशियोज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। बोलो पहला वाला हम तुम लोग को बोल रहे करो, सेकंड वाला चलो हम बता देंगे, एडेंडो बताए फिर भी बता देंगे, ठीक है। तो पहला वाला तुम लोग कोशिश कर सकते हो, ये तो होना चाहिए, और हम बोल भी रहे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो हो जाए, रेशियोस को। ये एक सेकंड का ए बाई बी सी बाई डी, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कितना होगा, ए इंटू डी बी इंटू सी, तो ए डी इक्वल बी सी, हम लोग को ए डी बाई बी सी निकालना है, तो ए डी बाई बी सी इक्वल कितना लिखेंगे बोलो, बोलो इसको कितना लिखे, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना कितना लगा हुआ है, कोफिशियंट कितना कितना है, 1 1/1 होगा, यानी इसका आंसर 1:1 हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 1:1, ए डी इज टू बी सी, ये हम लोग का बन गया 1:1। हम तो हिंट्स दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं क्या करना है, तुम लोग करो प्रोसीड करोगे तब ना होगा। फिर बोला है ए प्लस सी और बी प्लस डी, तो देखो ये एडेंडो रूल्स है, एडेंडो रूल्स में क्या है, अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन है जैसे कि ये दोनों, तो फर्स्ट टर्म ऑफ ऑल रेशियोज एडेड डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म ऑफ ऑल रेशियो एडेड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मेरा ऐसे दिया हुआ है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इस पे अगर हम एडेंडो लगाते हैं तो हम लोग ये करेंगे ए प्लस सी फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी प्लस डी, ये एडेंडो लग गया। इक्वल क्या होता है, इक्वल होता है ईच टर्म, ठीक है, ये ऐड करके जो आंसर आएगा ना वो या तो ए बाई बी या तो सी बाई डी के बराबर होगा। और एक चीज देखो, ए बाई बी बराबर है 2.5 इज टू 1.5 का,
इसका आंसर क्या है? 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ए बाय बी इज इक्वल टू दिस वन, सी बाय डी इज इक्वल टू दिस वन, मतलब अगर हम लोग ये एडेंडो फीचर लगाते हैं इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है, ये एडेंडो फीचर लगाएंगे तो इक्वल टू इतना हो जाएगा, वैल्यू में अगर जाए तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, और इसका आंसर कितना होगा? अगर 2.5 है इसमें 10 लगाएंगे नीचे, फिर 15 बाय 10, ठीक है, इसको एलिमिनेट करने के लिए पॉइंट को, फाइव इज टू थ्री, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो एडेंडो से जल्दी होगा। बाकी इसमें भी तुम लोग जो है एक्स वाई डेटा ये सब लेके कर सकते हो, वो काफी टाइम लगेगा, ए प्लस सी निकालोगे बी प्लस डी। अब एडेंडो फीचर्स हमें क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग देखो, वैसे एडेंडो करने से ए प्लस सी प्लस 2.5 करना चाहिए और बी प्लस डी प्लस 1.5 करना चाहिए, लेकिन इस ये कर देने पर हमारा आंसर तो नहीं आ पाएगा ना, तो हम इन दोनों का एडेंडो कर रहे हैं। अब ये दोनों वैल्यू इससे बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसको अगर हम लोग डिवाइड फॉर्म में लिखे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये हर एक टर्म के साथ बराबर है, तो एक टर्म का वैल्यू इतना है तो हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग के पास आंसर आ जाता है कि ए प्लस सी इज टू बी प्लस डी हम लोग का 5:3 हो गया। तो ऐसे करके एडेंडो वाला जो कंसेप्ट है वो हमारे काम में आएगा। अच्छा, अब एक दूसरा ऐसा ही एक क्वेश्चन देते हैं, एक बार ट्राई करो, देखो जैसे थोड़ा अलग है, आसान है, पहले वाले से भी आसान है। इफ ए बाई थ्री इक्वल बी बाई फोर इक्वल सी बाई सेवन, तो हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू होगा, ये प्रूफ करना है। देखो इसको भी तुम लोग एडेंडो लगा के भी कर सकते हो, और एक तरीका होता है चलो बता ही देते, के के का रूल्स पता है, कांस्टेंट मान के, मतलब ये तीनों बराबर है तो हम लोग इन तीनों का वैल्यू कुछ भी एक डेटा मान सकते, जैसे नॉर्मली लोग के मानते हैं। अब के देखो रूल्स इसीलिए के माना जाता है क्योंकि के मानने से क्वेश्चन आसान होता है, बाकी तुम लोग 10 भी मान सकते हो, कुछ भी डेटा मान सकते हो, लेकिन डेटा मानने से कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, बाकी तुम लोग कुछ भी मान के कर सकते हो, नॉर्मली लोग के मानते हैं, तो एक के मान के होगा और एक एडेंडो करके भी होगा। देखो ऐसा होता है, ए बाई थ्री बी बाई फोर और सी बाई सेवन, ये सबको मान लेते के। अब के मानना जरूरी नहीं है, तुम लोग टू मान सकते हो, थ्री, इसका मतलब है इसका वैल्यू, ये तीनों अगर बराबर है तो तीनों का वैल्यू एक ही होगा। अब तीनों का वैल्यू हम के फॉर कांस्टेंट मान लेते, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है तो के मान लिया, ठीक है। अब अगर टू मानोगे टू मान सकते हो, तो ए बाई थ्री इक्वल के, इससे हम लोग बोल सकते हैं बी बाई फोर इक्वल के और सी बाई सेवन इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा 3k, बी हो जाएगा 4k, ठीक है, सी हो गया 7k। अब सिंपल इस पे पुट कर दो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, और देखो 2 आता है कि नहीं, तो ए का वैल्यू 3k, बी का वैल्यू 4k, सी का वैल्यू 7k डिवाइडेड बाई अगेन 7k, तो ये हो गया 14k बाई 7k, यानी कि 2, आंसर हम लोग का 2 आ गया। ये आसान तरीका है, इस पे एडेंडो लगाओगे तो टाइम टेकिंग होगा लेकिन निकल जाएगा, तो मैंने क्योंकि बोला कि एडेंडो से भी होगा तो वो भी हम दिखा देते हैं, लेकिन यही तुम लोग अप्लाई करना के यूज करके, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आए, ठीक है, के यूज करके हमेशा करो, बहुत जल्दी होगा। अब इसमें तुम लोग सोचोगे कि हम के जगह अगर 2 यूज कर लेते तो क्या क्वेश्चन नहीं होता, तब भी होता, अगर 2 यूज कर लेते तो ए का वैल्यू आ जाता 6, ठीक है, बी का वैल्यू आ जाता 8 और सी का वैल्यू आ जाता 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 प्लस 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाता फिर से 14, तो यहाँ पर आंसर कितना आता है, ये हो गया 8 प्लस 6 14 और 14 28 बाई 14, ये देखो, ठीक है, कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो होता है, लेकिन वैल्यू लेने से कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम लोग के फॉर कांस्टेंट मानते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम तुम लोग को एडेंडो से भी दिखा देते कैसे होता है, तो एडेंडो में क्या होगा, सारे रेशियोज का फर्स्ट टर्म का एडिशन, ये देखो सारे रेशियोज का फर्स्ट टर्म का एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सारे रेशियोज का सेकेंड टर्म का एडिशन, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 7, और ये हमारे हर एक टर्म के साथ बराबर होगा, ठीक है।
तो यहां पर देखो मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी चाहिए, तो हम इसको बराबर सी बाई सेवन से करते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास तीन ऑप्शन है बराबर करने के लिए, या तो ए बाई थ्री से करो, या बी बाई फोर, या सी बाई सेवन, किसी से भी करो। तो मैंने सी बाई सेवन ही क्यों किया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में नीचे सी चाह बोल रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू सी बाई सेवन, ठीक है। तो अब ये सी को इधर लेके आते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी हो गया। अगर इधर सी आएगा तो इधर 14 बाई सेवन हो गया, मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते भी हो तो भी तो कर पाएंगे ना हम लोग, सी को इधर ला रहे 14 को इधर लेके जा रहे, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो गया, इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल टू, ठीक है, ये बाई यूजिंग एडेंडो कर दिया मैंने, तो इसमें कुछ भी के वे नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। एडेंडो, ये एडेंडो से बन गया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी को नहीं समझ में आया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के समझो, 14 इंटू सी, अब मुझे सी को नीचे लाना है, अब देखो सिंपल हो जाएगा, सी इसके नीचे चला गया, 14 बाई सेवन इस तरीके से आ जाएगा, अगर किसी को ये स्टेप के बाद ये स्टेप नहीं समझ में आया, और उसके बाद भी अगर नहीं आया तो सिंपल ऐसा ये इधर आ जाएगा, और ये 14 बाई सेवन वही यहाँ पर लिखा हुआ, ये दोबारा लिखने का कोई रेलिवेंस ही नहीं था, चलो छोड़ो, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एडेंडो। तो देखो एडेंडो जो फीचर्स मैंने पहले ही बोला, एडेंडो फीचर्स जो है ना, इसको कैलकुलेशन करने में, हमारा रेशियो कैलकुलेशन करने में काफी काम आएगा, ठीक है। तो और है भी बड़ा सिंपल, एडेंडो भी काम आएगा, सबट्रेंडो भी काम आएगा, ठीक है। सिंपल है, हमें ऐड कर देना है फर्स्ट टर्म, ऐड कर देना है सेकेंड टर्म, दोनों हमारा रेशियो फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल हमें क्या करना है, कोई भी टर्म के साथ बराबर होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी टर्म के साथ वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल थ्री करते हैं। यही वाला लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगा, एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये लास्ट एग्जाम्पल है। बोला है ए डीलर मिक्स टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी विथ टी कॉस्टिंग 7.77 केजी, मतलब एक डीलर ने दो तरीके का चाय जो है वो मिक्स्ड अप कर दिया है, एक चाय उसने लिया था 6.92 पर केजी करके खरीदा था, दूसरा लिया था 7.77 पर केजी करके, और दोनों को मिक्स्ड अप कर दिया। मिक्स्ड अप करने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है उसको वो 8.80 पर केजी करके सेल कर रहा है, और प्रॉफिट कमा रहा है 7.5%, मतलब 7.5%, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन को हम पहले यहाँ पर तुम लोग को समझा देते हैं, क्या बोला है, बोल रहा है कि एक सेलर है, उसने एक जगह मान लो एक कंटेनर पे दो तरीके का चाय जो है वो मिक्स्ड अप किया है, चाय दो तरीके का अलग अलग इसीलिए है क्योंकि दोनों का कॉस्ट अलग है, ठीक है। एक चाय है मान लो, यहाँ दिया हुआ है कॉस्ट, एक चाय पत्ती था 6.92 पर केजी वाला, ठीक है, और दूसरा चाय जो है वो था 7.77 पर केजी वाला, ठीक है। ये दोनों को यहाँ पर मिक्स्ड अप कर दिया, ये चाय बन गया, ठीक है। अब इसको वो सेल कर रहा है, और सेलिंग प्राइस उसने डिसाइड किया है मिक्सचर का 8.80 पर केजी, और प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है इससे, प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है वो है 17.5% ऑन सेल्स, ठीक है, सेल पे इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, उन्होंने वो दो तरीके का जो चाय है वो कौन से प्रोपोर्शन में उन्होंने मिक्स किया है, मतलब कौन से रेशियो में हम लोग बोल सकते हैं कि वो उन्होंने वो मिक्स किया है, वो हमें फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। अच्छा अब देखो कौन से प्रोपोर्शन में कौन सा कैसे मिक्स्ड होगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कौन से चाय से हमारा प्रॉफिट आ रहा है, कौन से चाय से हमारा लॉस आ रहा है, ठीक है, इंडिविजुअली, क्योंकि ओवरऑल देखें तो वो तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली जरूरी तो नहीं है कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि मिक्सचर होने के बाद कॉस्ट कितना आया, ठीक है, कॉस्ट
कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, तो तुम लोग बोलो इस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, मतलब इंडिविजुअली तो पता है इसमें दो तरीके का चाय है, एक का कॉस्ट इतना है एक का कॉस्ट इतना है, कॉस्ट का मतलब मार्केट में जाके इतने इतने रुपए पर किलो करके वो खरीदे, फिर बेच रहे हैं दोनों को मिला के एवरेज करके इतना रुपए पर किलो करके, अब ये बताओ कि उनका इस मिक्सचर का कॉस्ट कितना आया, मिक्सचर का कॉस्ट इंडिविजुअली कॉस्ट हमें पता है, मिक्सचर का कॉस्ट कैसे निकालोगे, जब मिक्सचर का सेल प्राइस पता है तो कॉस्ट भी निकाल सकते हो, सेल से क्या लेस करने से कॉस्ट आता है, देखो तुम लोग एक भी प्रॉफिट आंसर नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर माइनस क्या करेंगे प्रॉफिट ऑफ मिक्सचर, तो बोलो कितना होगा, 17 1/2 7.26 7.26 पर केजी, ठीक है, तो ये देखो 8.80 माइनस 8.80 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मिक्सचर, ठीक है, तो 17.5% यानी 17.5%, ठीक है, ये लग जाएगा, तो 8.80 माइनस 17.5%, 1.54, तो ये हो गया ₹7.26 पर केजी, ठीक है, ये कॉस्ट निकल के आ गया एवरेज कॉस्ट, एवरेज क्यों बोल रहे, क्योंकि मिक्सचर है, मिक्सचर होने से ही तो एवरेज हो गया, दो तरीके का चाय, तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट। अब मुझे एक चीज बोलो, ये जो कॉस्ट एवरेज बना ये तो दो तरीके के चाय से बना, ठीक है, अब इंडिविजुअली कॉस्ट कितना था वो देखो, ये देखो इंडिविजुअली तो हमें पता है कितना था, यहाँ पर लिखते हैं इंडिविजुअल कॉस्ट, ₹6.29 है, 292 केजी पर केजी, और ये वाला है 7.77 पर केजी, ठीक है, और एवरेज प्राइस जो आया, एवरेज बोल सकते हैं मिक्सचर का प्राइस का मतलब एवरेज प्राइस यानी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऐसे लिखते हैं प्राइस नहीं लिख के, एवरेज कॉस्ट जो है वो हम लोग का आया ₹7.26 पर केजी। अब मुझे एक चीज बताओ कि एवरेज तो इतना आया लेकिन इंडिविजुअली कॉस्ट इतना और इतना है, तो मुझे एक चीज बोलो इंडिविजुअली किसमें प्रॉफिट होगा किसमें लॉस होगा, वो कैसे पता करोगे, देखो हम बता देते हैं, जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने एक जो है ₹10 किलो वाला कुछ सामान खरीदा, ठीक है, ₹10 पर किलो, और दूसरा हम लोगों ने ₹12 पर किलो वाला सामान खरीदा, और दोनों को हम लोगों ने मिक्स्ड कर दिया, ठीक है, मिक्स्ड करके हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी ₹11 पर किलो वाला सामान है, ठीक है, अब ₹11 पर केजी, तो अगर हम लोग ₹10 पर केजी के अकॉर्डिंग देखें कि भाई कॉस्ट इतना था इसका कॉस्ट हमारा इतना पड़ जा रहा है, तो इस केस में इंडिविजुअली अगर इस प्रोडक्ट के लिए देखा जाए तो लॉस है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट जो है कॉस्ट हमेशा कम होने से जो है बिजनेसमैन को सही रहता है, कॉस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम लोगों ने खर्चा किया है ₹10 का लेकिन दिखा रहा है 11, ठीक है, एवरेज होने के बाद, तो फिर मेरा कॉस्ट बढ़ गया, अब कॉस्ट बढ़ गया तो इस केस में लॉस है, और ये ₹12 का अगर 11 दिख रहा है तो कॉस्ट कम हो गया तो मेरे लिए ये प्रॉफिट है, तो उस हिसाब से मुझे एक चीज बोलो कि कौन से वाले चाय में प्रॉफिट हो रहा है एवरेज होने के बाद कॉस्ट के अकॉर्डिंग, और कौन से वाले में लॉस हो रहा है ये बताओ, जो मैंने मार्केट से 6.92 में खरीदा था उसका कॉस्ट हम 7.26 मान रहे हैं, ठीक है, ये रुपीस साइन है, तो इसमें मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस होगा ना, अगर मेरा 7.26 पर केजी अगर मेरा कॉस्ट ये हम फाइंड आउट एवरेज करके निकाले हैं लेकिन एक्चुअली तो 6.92 है, तो कॉस्ट अगर मेरा कम होगा और मैंने बढ़ा दिया है तो मेरे लिए लॉस है, तो इस चाय में इंडिविजुअली देखा लॉस जाए है तो लॉस है लॉस है, 7.26 माइनस 6.92 तो लॉस कितना होगा 0.34 आ रहा है, ठीक है, इतने का लॉस होगा पर केजी, ठीक है, और इस केस में मेरा प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि मेरा कॉस्ट तो 7.77 था लेकिन एवरेज करने की वजह से कॉस्ट रिड्यूस हुआ, अच्छा बात है, कॉस्ट रिड्यूस हुआ तो प्रॉफिटेबल है, तो 7.77
7 7, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 7.26 पहले लिख दो, उसमें प्लस माइनस का कुछ नहीं, वो हमें खुद से समझना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो 7.77, तो इस केस में हम लोग का 0.51 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एक में हमारा इतना लॉस है, लॉस पर केजी, एक में हमारा इतना प्रॉफिट पर केजी है। ठीक है, अब हमें इस मिक्सचर को कैसे मिक्सडअप करना पड़ेगा, कौन से रेशियो में, तो रिक्वायर्ड रेशियो हम लोग का, तो हम लोग को जो रेशियो लगाना है वो कैसे लगाना पड़ेगा। तो देखो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोला है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, कौन से प्रोपोर्शन में वो इस चीज को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट या लॉस को ध्यान में रख के वो मिक्स करेंगे, तभी तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस ये सब दिया हुआ था। ठीक है, तो उनको कौन से रेशियो में लेना चाहिए, प्रॉफिट इज टू लॉस। ठीक है, इस रेशियो में उनका लेना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना है, क्योंकि 0.51 ज्यादा प्रॉफिट है और यहाँ पर 0.34 ये लॉस है, तो 51/100 और ये हो गया 34/100। ठीक है, तो 51:34, तो 51:34 करने से कितना हो जाएगा, 17 3 51 और ये 2, 3:2 में इनको ये मिक्सडअप करना चाहिए, तब जाके इनका बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये रेशियो इस तरीके से निकलेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर मैच हुआ कि नहीं। हाँ ये देखो, तो यहाँ पर हमें बोला है वी हैव टू मिक्स द टू काइंड इन सच ए रेशियो दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस मस्ट बैलेंस द अमाउंट ऑफ लॉस इन द सेकेंड केस। ठीक है, ताकि प्रॉफिट और मतलब जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है वो लॉस को भी कवर कर ले, इसीलिए हमें प्रॉफिट इज टू लॉस इस तरीके से जो है हमें मिक्सडअप करना चाहिए। तो सेकेंड डिफरेंस में हमारा प्रॉफिट आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंस में लॉस आ रहा है, तो इस रेशियोज में अगर हम लोग करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट अमाउंट ज्यादा है, तो ये 3 ये 2 के लॉस को कवर कर लेगा। ठीक है, इस तरीके करना चाहिए। बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है, फिर भी अगर कभी पूछ ले तो हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज हम लोग इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज 1 भी तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हम तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं, ये तुम लोग ट्राई करके देख सकते। ठीक है, फिर आज इतना ही। नहीं। बाय मैम।